जी वेलकम बैक टू न्यू मैन अंदर व्लॉग। यहाँ पे ना मुझे टिकी भाई मिला, बहुत फेमस यूट्यूबर टिकी भाई। देखो मेरे यूट्यूब की अर्निंग आ चुकी है। कुकर खाने लगे हैं, ट्रीट देने लगे हैं, इनका ना ब्याह से पक्का हो गया। बंदे का ना इंट्रो दे सको, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये है कौन। ये खाना खाया बेबी, का कर ले हो बेबी वॉशरूम में। इसी चक्कर में थे जब हम सेवंथ में थे ना। नहीं मैं उसके सामने ट्रीट देने आए थे, सीन सुन कुछ भी नहीं। फोन कैमरा नहीं मैं बता सकता हूँ। अच्छा जी वेलकम बैक टू न्यू मैन अंदर व्लॉग। यार आज ये जो है ना व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रस्ते से, साथ मेरे बड़े प्यारा मेरा बेस्टी है अहमद हुसैन। लोग चाहे ना जानते हो तो मैं इसका तारुफ भी करवाता हूँ मैं, लेकिन पहुंच तरफ कराता हूँ क्योंकि बाइक पे तो जरा शोर शुरू होगा। तो खैर यार व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भाई मुझे अभी इस बार उठा कर ला रहे हैं घर से, हम जरा जा रहे हैं बैंक पैसे पूसे लिखवाने। भाई हमें ट्रीट देने लगे कोई ऐसी है? नहीं नहीं बिल जमा करवाना है। हाँ बिल जमा कराना यार, गरीब बंदा क्या करे। तो खैर पैसे पूसे लिखवाने जा रहे हैं फिर भाई बन रहा। और उससे पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर लाजमी कर देना। ओके ना फिर ओका। मेरे YouTube की अर्निंग आ चुकी है। मुझे मेरी YouTube की अर्निंग करने लगा। करते ही 1 लाख पे क्लिक करते हो निकाल दे बस। नहीं 70 है बस, निकाल दे जल्दी जल्दी निकाल दे। बड़ी मेहनत करा तेरा भाई व्लॉग में, जल्दी जल्दी पैसे दे दो। YouTube की अर्निंग के लेने के बाद जरा इधर आ गए थे, देसी कुकड़ लाल करवाने। आज अहमद भाई जो है मैं ना पार्टी पूटी दे रहे हैं, आया ना मैं भाई, आज हम देसी कुकड़ खाने लगे हमें। आज आपको ये देखो हमारा बस। अरे मैं भाई जो है मैं देसी कुकड़ खाने लगे हैं, ट्रीट देने लगे हैं, इनका ना ब्याह से पक्का हो गया। मैं देसी कुकड़ खाने लगे हैं। तो अभी ये हमारे लिए कुकड़ ये पड़ा हुआ है, अभी थोड़े बाद ना अल्लाह अकबर हो जाएगा, लाल हो जाएगा एकदम। मस्ती खाने हैं यहाँ पे ना। मुझे टिकी भाई मिला, बहुत फेमस यूट्यूबर टिकी भाई मिल गया। और टिकी भाई क्या हाल चाल है? टिकी भाई टिकी भाई यार फेमस यूट्यूबर बन गया, कुछ नहीं मार रहे यार। टिकी भाई मिल रहे हैं भाई, बुरा मान गया। और टिकी भाई बुरा मान गया, चलो ठीक है टिकी भाई, एंजॉय मारो आप लोग। बाद आ जा तू, बड़े राम मौत मना है। मैंने इधर ना बाइक रुकवाई स्पेशल, ठीक है वापस घर जाते हुए ना। तो ये सिर्फ इसलिए बाइक रुकवाई कि मैं तुम्हें इस बंदे का ना इंट्रो दे सकूं, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये है कौन। यार ये ना मेरा मतलब के सबसे पुराना दोस्त जो है ना, मेरा मतलब के बेस्टी लंगोटिया यार भी तुम लोग कहते हो, ये वो मेरा दोस्त है मतलब के अंडरवेयर फ्रेंड से, ठीक है ना। मतलब ये मेरा वो दोस्त है, मतलब के एक होते हैं ना दोस्त को जिनको जैसे मेरे राज को काफी पता है, जो मेरे घर वालों को नहीं पता, और इसके राज को जैसे जो मुझे पता है और इसके घर वालों को नहीं पता। लेकिन ना मसला ये है कि अभी ये बड़ा हो गया है, इसको बच्ची मिल गई है, ठीक है। अभी 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है बाबू भाई, बच्ची का चक्कर। तो बस बच्ची मिल गई तो बंदा तो बाया, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी ना आगे की नहीं पीछे की, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ठप्पा है, ठीक है ना। बच्ची ने सुबह उठना है, बेबी खाना खाया, बेबी का कर ले हो, बेबी वॉशरूम में जाके हगा नहीं हगा बस ना, मतलब कि तुम लोगों की फिर जिंदगी ये रह जाती है। तो खैर यार क्या करते हैं, आप इसी चक्कर में थे जब हम सेवंथ में थे ना। नहीं मैं उस क्लास में 4-5 साल चल गए। अब तुम्हारा भाई सिंगल है यार, ये बच्ची बुच्ची के चक्कर में कुछ भी नहीं पड़ा। बात तो सही है, सिंगल लाइफ गुजारो, ठीक है ना, चिल मारो, माहौल मारो, ठीक है। कम से कम इनकी तरह जलील तो नहीं होना पड़ता ना। मैं ऐसे किसी की बात नहीं करता हूँ, ये बंदा देख लो अभी भी जो है ना अभी भी लगा हुआ है, ठीक है, अपनी बंदी के साथ। अड़ता मेरे पास हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। 3 hours later इधर वापस आने के बाद तुम्हारे भाई ने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद सारा नाश्ता नुश्ता किया, ठीक है। तो पता है सर्दियों के दिन है, अब भाई रात तो ऐसी होती है, अंधेरा ऐसे होता है। कुछ पूछा मैंने तो नाश्ता मैंने किया क्योंकि भाईजान सुबह सुबह मुझे चुप के ले गए थे, ठीक है। तो खैर अब सीन ने इस तरह के 3 घंटे गुजर गए हैं, ठीक है। और अहमद साहब को दोबारा फोन आया मुझे कि भाई कहीं जाना है, तैयार हो जा। मैं भाई मैं तैयारी हूँ, आ जा कहीं जाना है। तो अब वो आ रहा है, अब मेरा पता था कि उसने बाहर जाना है, लेकिन कुछ सीन फीन है तो देखते हैं क्या। तो यार इधर ना अहमद साहब मुझे ट्रीट देने आए थे, सीन सुन कुछ भी नहीं, आप मुझे ट्रीट देने आया।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये पूछना चाहता हूँ की आज मेरा एहसास कैसे हुआ है या तुम्हें आज मेरा एहसास कैसे? मैंने सोचा की गरीबों में ऐसी खाना वगैरह बांटते रहना चाहिए, तो इसी वजह से मैं आपको लेके आया हूँ। यार तुम मेरी बिस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस इस बंदे की शक्ल देख लो, गरीबों को खाना बांट रहे हैं। अगर किसी को भी कुछ खाना पीना हो तो भाई के पास बिना झिझक आ सकते हैं। ठीक है, सबको खिलाओगे आप? हाँ, सब कुछ खिलाओ। बस ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बस थोड़ी देर मेरे साथ आना पड़ेगा आप लोगों को। भाई उनके साथ ही तुमने कुछ करना, मेरे साथ कर लो। हाँ, आपके साथ ही। बस ठीक है, तो मेरे साथ कर लो, उनके साथ कुछ नहीं करना। मेरे सब्सक्राइबर है यार, वो बड़े अच्छे बंदे हैं यार। बहुत चंगा ना मैं। यार अहमद की ट्रीट के बाद अहमद साहब दोबारा से ले आए हैं हमें बैंक एटीएम मारने। भाई कितना पैसे आपके अकाउंट में, कितने पैसे निकलवाने हैं? छोटे मोटे लोगों को नहीं बता सकता, ये ऑन कैमरा नहीं मैं बता सकता हूँ। अच्छा, मतलब कि आपके डिफरेंट तरीका हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं? ये प्राइवेट थिंग है ब्रो। तो मैं आपकी प्राइवेट थिंग एक बार देख सकता हूँ? नहीं। पैसे लगेंगे? पैसे लगेंगे? कितने पैसे लगेंगे? जितने आपकी पॉकेट में। चलो यार जानू मर्जी, आप ही निकलो, एटीएम चले। घर आने के बाद अब मैं गया हूँ लेट और अब मैं लगा हूँ सोने, क्योंकि मैं गया हूँ बहुत ज्यादा थक। तुम लोग समझ रहे हो बस शायद मैंने ये सब कुछ ही किया आज, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे भाई ने बहुत ज्यादा काम किया, वो अलग बात। चल झूठा, तब व्लॉग में नहीं आए। तो खैर अपा कर रहे हैं इस व्लॉग को एंड यहाँ पे। यार आज का व्लॉग तो काफी छोटा, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी आएंगे, टेंशन। लेकिन तुम लोगों ने बस तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी, और व्लॉग को लाजमी लाइक कर देना, अपने दोस्तों लाजमी शेयर कर देना है, ठीक है ना? अच्छा, तो बाकी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस व्लॉग को एंड। भाई को रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।